दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए अपनी नई वीडियो की तरफ चलते हैं, जिसका हमारा टॉपिक है आज का क्रिसमस ट्री। ये देखिए, आप पहले तो आप देख लीजिए आप इन दोनों क्रिसमस ट्री को, इनकी क्या हालत हो रखी है। दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको बड़े अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये अच्छा खासा घना और जो है ग्रोथ भी अच्छी हो रखी है इसकी, हरा भरा। और ये देखिए बेचारा कैसे ये जो है लटका पटका सा हो रहा है, ये इसकी हालत हो गई है। तो इसी क्रिसमस ट्री के बारे में आज हम बात करेंगे, और इसको हम एरोकेरिया भी बोलते हैं। जो साइंटिफिक नेम है इसका वो एरोकेरिया होता है। तो देखिए दोस्तों, क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जो मेरा प्लांट है ये मैं अपने छत पे रखती हूँ सेमी शेड में, ठीक है। डायरेक्ट इसको सनलाइट नहीं चाहिए होती, सिर्फ सेमी शेड का ही पौधा है। कभी कभार हम लगा सकते हैं उसको धूप, जैसे 2-4 महीने में एक बार इसको, 2-3 घंटे के लिए, वो भी ज़्यादा नहीं। और ये जो पौधा है मेरा, ये नीचे हमारी दुकान पर रखा हुआ था, है ना। तो इसमें जो है शॉप के जो लेबर हैं वो कभी पानी डालते हैं कभी नहीं डालते हैं, और डालते हैं तो इतना ज़्यादा डाल दिया उन्होंने फिर, कि ये जो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद इसमें ओवर वाटरिंग हो गई है। बस मेन तो जो 2 पॉइंट होते हैं हमारे पौधे के ख़राब होने के, वो ये होते हैं, या तो अंडर वाटरिंग हो जाती है उसमें, या फिर ओवर वाटरिंग हो जाती है। तो अंडर वाटर तो मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि ये ऐसा पौधा है कि जो कई दिनों तक भी अगर हम इसको पानी ना दें तो ये सर्वाइव कर जाता है। जहाँ तक मुझे लगता है इसमें ओवर वाटरिंग हुई है, क्योंकि जब ये बिना पानी के तो कई दिन तक सर्वाइव कर जाता है, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगा 2-4 दिन पानी नहीं देंगे। तो उन्होंने जो क्या किया है लेबर ने, कि भर भर के इसमें पानी दे दिया कि दोबारा से जल्दी से ना देना पड़े। तो इस वजह से ये जो है इसमें जो है जड़ें गलनी शुरू हो गई हैं, जो मुझे लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जब आपके पौधे के साथ आएगी तो आप क्या करेंगे। इसको देखिए, हमें बचाने की पूरी कोशिश करनी है अपने पौधे को। अच्छा पौधा है ये, सुंदर पौधा है हमारा। पौधा कोई भी हो अपना, जब हमारा पौधा मरने लगता है तो बड़ा जो है ना दुख होता है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अपने किसी भी पौधे को मैं मरने ना दूँ, पूरा उसको जो है हेल्दी रख के बना के। तो सबसे पहला पॉइंट ये दोस्तों कि सबसे पहले तो आपको इसके ऊपर की मिट्टी हटा देंगे। ये देखिए, आप यहाँ पर देखिए ये मिट्टी कितनी सोगी हो रखी है, ये देखिए। तो जो है इसमें इसकी जड़ों में है ना पानी इकट्ठा हो गया है, सही आइडिया था मेरा। तो पहला तो स्टेप हमको क्या लेना है, पानी तो इसमें अब बिल्कुल नहीं डालना है 3-4 दिन के लिए, या फिर जब तक इसकी मिट्टी अच्छे से सूख नहीं जाती तब तक के लिए। तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया कि हमको पानी नहीं देना है कुछ दिन के लिए इसमें। दूसरा, इसकी ऊपर की मिट्टी हमको हटानी होगी, ताकि जो है इसकी जड़ों में जो है थोड़ी बहुत हवा लग सके, है ना। एयरेशन इसमें प्रॉपर होगा तो नीचे जड़ों में हवा जाएगी, और जिससे हो सकता है कि हमारा पौधा बच जाए। तो अपने इस पौधे को बचाने की हमें पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। इसको मैं निकाल दूँगी अच्छे से, जितनी मिट्टी मेरे से हो सकती है ऊपर की कोशिश करूँगी निकालने की। ये भर गया ये वाला बॉक्स, एक और बॉक्स लेके उसमें मैं फिर इसको अच्छे से जो है निकाल दूँगी। ये देखिए, ये देखिए इसकी जड़ों के पास आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से कितनी मिट्टी सोगी हो रखी है। ये देखिए जड़ें जो है इसकी गल चुकी हैं, मतलब गलने लग रही हैं, गल चुकी तो पता नहीं है क्योंकि नीचे हैं जड़ें इसकी। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे इसकी सारी जो मिट्टी है ऊपर की जितनी हो सकती है वो अलग कर दें। इससे क्या होगा, इसकी मिट्टी में जो है हवा जाएगी अच्छे से, है ना। तो सही एरेशन होगा जब इसमें, तो फिर इसकी जड़ें भी जो है हेल्दी होने लगेंगी धीरे धीरे। और अब इसको हमें इंडोर नहीं रखना है कुछ दिनों के लिए, मैं इसको ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पर काफ़ी ब्राइट सनलाइट आती है ना। डायरेक्ट तो सनलाइट में नहीं रखूँगी, बट हाँ ब्राइट सनलाइट जहाँ पर आती है ऐसी जगह पर मैं इसको रखूँगी। और एक दो काम हम इसमें और कर सकते हैं, जैसे अभी ये मिट्टी मैंने ऊपर की निकाल दी है, तो 2-3 चम्मच जो है मैं इसमें अभी ला के डाल दूँगी, हल्दी की, सॉरी 2-3 चम्मच जो है हल्दी की इसमें लाके मैं डाल दूँगी इसमें चारों तरफ। तो हल्दी क्या होती है, हल्दी भी और एक अपना जो दालचीनी का पाउडर होता है वो भी, हम दोनों चीज़ें मैं मिक्स करके इसमें डालूँगी, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं एंटी फंगल होती हैं। अगर इसमें जो है एक्स्ट्रा वाटर होने की वजह से इसमें जो है फंगस वगैरह लग रहा होगा, तो वो दालचीनी और जो है हल्दी जाने से पौधे की जड़ में, तो उसको काफ़ी फ़ायदा होगा, वो हेल्दी करेगी उसको और फंगस से भी बचाएगी, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें आप अपने किसी भी इस तरह के पौधे में कर सकते हैं जो बेचारा ख़राब होने की कगार पे जा रहा है।
है ना, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी इस पौधे को अपने बचाऊँ और मे भी ये बच ही जाएगा। और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कुछ दिनों के बाद एक और वीडियो या फिर किसी शॉर्ट में आपको दिखाऊँगी कि मेरा पौधा बच गया या फिर क्या हुआ इसके साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।